दोस्तों सबसे पहले आपको एक स्प्राइट का बोतल लेना होगा और लेकर आप उसको कैंची से काट देना पतला पतला, जो कि देख सकते हैं पतला पतला है, और उसके बाद में ऊन से उसको लपेट देना है, जो कि लपेटने के बाद में इस तरह से देखेगा। और उसके बाद में आपको टिकिया बनाना होता है, जो कि टिकिया आप इस तरह से बना सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही अच्छी तरह से आपका टिकिया जो होता है वो टिकिया बन जाएगा, बहुत ही बेहतरीन टिकिया बन जाएगा। और उसके बाद में जब ये टिकिया बन जाएगा तो आपको मैं बताऊँगा एक और गुलाब का फूल या गेंदा फूल बनाना है। तो सबसे पहले आपको एक सुई ले लेना है, सुई लेकर और सुई में धागा लगा देना और धागा लगाकर इसको सी देना है, जो कि यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं सिया जा रहा है इस टिकिए को, और सी लिया जाएगा। तो उसके बाद में आप लोग को दिखाऊंगा निकालकर। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं टिकिया जो होता है उसको सिया जा रहा है, उसके बाद सी लिया जाएगा तो आपको निकाल कर दिखा दूंगा। बहुत ही अच्छी तरह से ये टिकिया तैयार हो जाएगा, बहुत ही बेहतरीन टिके, और जितने भी छेद छेद है उसमें आपको सुई से टैंक देना है। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे सुई से धीरे धीरे सिया जा रहा है, सी लिया गया है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं मैं निकाल रहा हूँ, निकाल देने के बाद में यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ये टिकिया हो चुका है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जो गेंदा फूल होता है उसको यहाँ पे मैं बना रहा हूँ। उसके बाद में बना लिया जाएगा तो उसके बाद में आप लोग को मैं पूरा बताऊंगा इस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और अंत तक शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो बहुत आसानी के साथ आप गुलदस्ता फूल बना सकते हैं। बहुत ये गुलदस्ता फूल बिस्तरीन फूल जो कि देखने में लगेगा, और बहुत ही बिस्तरीन ये फूल है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं हाली हाली से बनाया जा रहा है, तो आप इसको बना लेना। और जब बना लेंगे टिकिया तो आपको मैं बताऊँगा किस तरह से इसको टकना होता है, जो कि यहाँ पर साट लिया जाएगा। जो उजर वाला टिकिया बनाया गया है उस पर आपको लेकर यहाँ से बीच में, जो कि आपको यहाँ पे बीच में रख कर और टांक देना है, जो कि यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं बीच में रख दिया। और रख देने के बाद में यहाँ पे सुई लेकर सुई से इसको टांक देना है। टांक देंगे सुई से तो आपका जो ये फूल होता है वो फूल बहुत ही मजबूत फूल हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आप लोग के क्या करना है, जो स्प्राइट का बोतल का काटे थे पतले पतले और उसको धागे से लिपटे थे ऊन से, तो उसको ले लेना है और एक नया बोतल ले लेना है और उसको इस तरह से लपेट देना है। और लपेट देने के बाद धीरे धीरे से ऊन से भी लपेट देने के बाद इसको लपेटना है, और ये जब ऊन से लपेट लेंगे तो फिर उसके ऊपर से आपको ये जो स्प्राइट वाला बोतल का जो पतला पतला काटा गया था उसको लेकर इस पर साटना है। साट देने के बाद यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं डोरा में से दाबा जा रहा है, दाब लिया जा रहा है इसको, और दाब लिया जा रहा है तो उसके बाद में इसको ऊपर से फिर जो धागा होता है उसको धागा को चलाना होता है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं धागा चला लिया जाएगा, ये जो जितने भी पतले पतले हैं डाली, वो डाली जो है वो मजबूत हो जाएगा। तो आपका जो डाली है वो अगर हाथ पकड़ कर इसको उठाएंगे तो ये नहीं निकलेगा, अगर आप लोग अच्छे से नहीं लपटेंगे तो आपका जो होता है डाली वो डाली निकल जाएगा, तो आपका अच्छा फूल नहीं हो पाएगा। इसलिए दोस्तों आप लोग को बोला हूँ आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा, उसके बाद में ही आप ये फूल गुलदस्ता फूल बनाना, नहीं तो आप लोग अगर पूरा वीडियो नहीं देखेंगे, अगर आप लोग बनाना शुरू कर देंगे तो आप लोग का फूल भी ख़राब हो जाएगा। दोस्तों अगर और भी नए नए ट्रिक की जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट कर देना, और कमेंट करने के बाद में दोस्तों आप लोग का मैं रिप्लाई जल्द ही दोस्तों कर दूंगा। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं हाली हाली लिपटा जा रहा है, यहाँ पे दोस्तों बहुत ही हाली हाली लिपटा जा रहा है। जब ये लपेट दिया जाएगा ऊन, उसके बाद में तो आप लोग को मैं बताऊँगा किस तरह से इस पर फूल साटना है, जो टिकिया फूल और गुलाब का जो था यानी गेंदा का उसको साटा सी लिया गया था, यानी गांठ उसको सुई से गांठ दिया गया था, वो जो फूल होता है उसको किस तरह से लगाना है और कैसे लगाना है वो आप लोग को मैं बताऊंगा इसी वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेगा, नहीं तो आप लोग अगर शुरू से लेकर अंत तक नहीं देखेंगे तो आपका जो फूल होगा वो फूल ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ये फूल तैयार हो चुका है डाली,
और डाली तैयार हो चुका है। तो उसके बाद मैं आप लोग को साटने का भी बता दे रहा हूँ अभी इसी वक्त। तो यहाँ पे दोस्त देख सकते हैं, सबसे पहले आपको सुई लेकर इसको जो बीच में होता है उसको एस ए फार से ओ फार कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे देख सकते हैं हो चुका है। तो कैंची से इसको काट देना है साइड से और दोनों साइड बराबर ही रहने देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे फेविकॉल ले लेना है और ले लेने के बाद में दोस्तों आप लोग को बीच में टांग देना और जो जो बीच में है उस पे रख देना। रख देने के बाद में इसको यहाँ से बांध देना, बीच में जो लटकेगा उसको बांध देना है। और बांध देने के बाद में आपको क्या करना है, कैंची लेकर और कैंची से छोटे छोटे करके उसको काट देना है अपने हिसाब से। इतना भी मत काटना, नहीं तो अगर छोटा ज़्यादा हो जाएगा तो आपका जो फूल है वो भर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं धीरे धीरे से इस फूल को सटा जा रहा है। बहुत ही आसानी है, आप लोग बहुत ही आसानी के साथ ये फूल बना सकते हैं। फेविकॉल ले लेना है, उसके बाद में उस पर साट देना है और साट देने के बाद में बांध देना है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये फूल गुलदस्ता फूल तैयार हो चुका है। तो दोस्तों आज के वीडियो में यही था। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पे। और अगर हमारे चैनल को अभी तक दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटे प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।